हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने DU के अंदर अप्लाई किया था एंड फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में आपको सीट एलोकेट नहीं हुई है, मतलब आपका एडमिशन DU के अंदर नहीं हुआ है, तो दोस्तों अब आपका एडमिशन DU में कैसे होगा, आपको क्या करना होगा, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको पता होगा कि स्पॉट एडमिशन, ये स्पॉट एडमिशन होता क्या है। अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो स्पॉट एडमिशन का मतलब होता है कि अगर DU के कॉलेजेस के अंदर सीट बची हुई होगी, अगर सीट बची है तो वहां पे DU क्या करेगा कि जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है एंड जो कट ऑफ के नीचे हैं, ठीक है ना, मतलब जो कट ऑफ में है बट कट ऑफ में नीचे हैं, उनको सीट डायरेक्ट दे दी जाएगी, मतलब उनका एडमिशन स्पॉट ऑन द स्पॉट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों का एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन उसी का होगा जिसका नंबर तो आया है बट नंबर कम है और मेन सीट में जहां पे कट ऑफ रुकी हुई है उसी के नीचे से एडमिशन होगा, ठीक है ना। सबको एडमिशन नहीं मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्पॉट का मतलब होता है अगर कोई सीट बच गई है, किसी ने एडमिशन छोड़ दिया है, ठीक है ना, सीट कहीं पे खाई है, तो DU वहां पे आपका एडमिशन डायरेक्ट कर देगा, इसका मतलब होता है स्पॉट एडमिशन, ठीक है। अब दोस्तों ये स्पॉट एडमिशन स्टार्ट कब से होगा, क्या इसमें सीट मिलने के चांसेस हैं, क्या कितनी सीट बची हुई है, तो दोस्तों आज मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है चीजें, ओके। तो आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ रेगुलर CS राउंड, जब आपका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हो जाएगा, इफ सीट रिमेन वैकेंट, अगर सीट वैकेंट मतलब खाई होगी, ठीक है ना, मे अनाउंस यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अब देखो यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स जो कॉलेजेस हैं उनके डिपार्टमेंट्स अनाउंस करेंगे भैया कि यहाँ पे सीट खाई है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अनाउंस स्पॉट राउंड ऑफ एडमिशन, वो बताएंगे कि स्पॉट राउंड स्टार्ट होगा, ठीक है ना। कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर CS 2022 वर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेजेस, जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला है उस वही योग केवल इस स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे और जिनका एडमिशन हो चुका है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ स्पॉट एडमिशन द एडमिशन ऑफ द ऑलरेडी कैंडिडेट विल बी लॉक्ड एंड जिनका हो चुका है उनका लॉक हो जाएगा एंड उनको कोई भी अपग्रेड नहीं मिलेगा। सिमिलरली द एडमिटेड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ द एडमिशन एंड स्पॉट काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद में कोई अपना एडमिशन को विदड्रॉ नहीं कर सकेगा, इस बात को ध्यान रखना। To be considered in a spot admission round, the candidate will have opt spot admission through his or her dashboard. आपको अपने dashboard में जाके spot admission choose करना होगा, ठीक है ना? For every spot admission round, university will display vacant seat. आपको बताएगी कितनी सीट बची हुई है हर प्रोग्राम के अंदर, BA, BSc, BCom में बताएगी। A desirous candidate will able to select only one program. आप चाहो तो किसी एक में एडमिशन ले सकते हो, आपको दिखेगा कि इस XYZ कॉलेज के अंदर सीट खाई है, वहां पर जाके आप एडमिशन ले सकते हो। इन स्पॉट एडमिशन एलोकेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया, आप कितनी सीट बची हुई है, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेड उसमें कितना कट ऑफ गया है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कॉलेज आपने कौन सा कॉलेज चूज किया था, कैटेगरी क्या है आपकी एंड एनी अदर एलोकेशन, अगर कोई और नियम होता है तो उसको भी अप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू टेक एडमिशन टू सीट एलोकेटेड इन स्पॉट राउंड, अगर आपको मिल गया उसके बाद में कोई भी अपग्रेड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको एडमिशन लेना पड़ जाएगा, ठीक है ना। फेयर टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, अगर आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल, वो भी सीट आपके हाथ से गई, और कोई भी अपग्रेड नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखा हुआ आप कोई भी अपग्रेड नहीं कर सकते हो, जो मिल गया वो फाइनल है। तो भैया स्पॉट काउंसिंग कब से स्टार्ट होगी, तो अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट स्पॉट एलोकेशन राउंड, तो भैया ये होगा 17 नवंबर से, कब होगा 17 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। एंड आपको कब अप्लाई करना है, कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड एलोकेशन, ये आपको 18 नवंबर को अप्लाई कर देना है, ठीक है ना, 18 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में, शाम को भैया क्या बोलते सुबह 10 बजे से लेकर अगले दिन शाम को 5 बजे तक, ठीक है। तो ये डेट याद रखना, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनके ये बहुत ही अच्छा मौका है कि अगर सीट बची है DU के अंदर तो वहाँ पे ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो भैया इसको ध्यान रखना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना, दोस्तों उनको शेयर कर दो एंड चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।